सो हे गाइस, दिस सैम एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रो निच आइडियाज़ फाइंड करके दिखाऊंगा और आपको कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करने हैं और वो कैसे आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड आपको प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स को असली में फाइंड कैसे करना है, उनको एफिलिएट में कैसे यूज़ करना है, फिर अगर आप गूगल एडसेंस या फिर मीडिया वाइन यूज़ करते हो तो आप कैसे अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर सकते हो, तो पूरा आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड ये पूरा डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, इसमें आपको कीवर्ड रिसर्च में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। हम आज के इस वीडियो में एचरेफ टूल को यूज़ करने वाले हैं एंड आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड का आखिर मायने क्या रहता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर होने वाली है। वीडियो को एकदम एंड तक देखना क्योंकि इधर पे हर एक स्टेप जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इधर पे हम बैकलिंक्स की भी बात करेंगे और आपकी कंपटीटर वेबसाइट्स की भी बात करेंगे, आप उनको बीट कैसे कर सकते हो और CTR का आखिर क्या इधर पे काम रहता है। मैं इधर पे एडसेंस के CTR की बात नहीं कर रहा, मैं इधर पे रैंकिंग CTR की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर पे सारी की सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो मैं इधर पे सबसे पहले अपने टूल को जो है ओपन कर लेता हूँ एंड इधर पे हम करने वाले कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। आप ऊबर सजेस्ट टूल को भी यूज़ कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए, उसमें लिमिटेड वर्जन काम करता है फ्री में। जो भी लोग मुझसे पूछ लेते हैं भाई फ्री में काम नहीं करता, फ्री में उसका लिमिटेड वर्जन काम करता है, आपको वही यूज़ करना पड़ेगा अभी के लिए, तो वही बेस्ट है फ्री में, ठीक है। तो मैं HRF इधर पे यूज़ कर रहा हूँ, जिनके पास HRF है वो लोग यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास ऊबर सजेस्ट फ्री में तो वो लोग फ्री में ऊबर सजेस्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। गूगल में वो लोग सर्च कर सकते हैं ऊबर सजेस्ट और उनको फ्री में मिल जाएगा यूज़ करने के लिए ऊबर सजेस्ट, ठीक है। तो इधर पे आपको सबसे पहले कीवर्ड प्लानर को खोलना है एंड उसके बाद आपको बस ये स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपके सामने अभी भी करूँगा, ठीक है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे कहा था कि भाई कूपन वेबसाइट के बारे में भी कुछ बताओ, तो हम उसी का आइडिया लेकर के इधर पे सर्च कर देते हैं जस्ट कूपन एक कीवर्ड, ठीक है। और मैं इधर पे लोकेशन पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ और ऊबर सजेस्ट टूल में भी आपको ऐसे करके ऑप्शन मिल जाएगा कीवर्ड डालने का एंड लोकेशन का, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा आपको ऐसे सर्च कर देना है। आप देख सकते हो इधर पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रहा है, लेकिन आपको ऑल कीवर्ड आइडियाज़ में घुसना है इसके, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान रखो कि आपको जस्ट ये सर्च करना है, फिर ऑल कीवर्ड आइडियाज़ में घुसना है एंड इसके बाद आपको फिल्टर्स को यूज़ करना है। तो मैं जस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इधर पे नीचे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको जस्ट क्या करना है इधर पे इंक्लूड में क्लिक करना है, इधर पे आपको कूपन लिख देना है, ठीक है। इधर पे मैंने कूपन लिख दिया एंड फिर इधर पे मैं अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद इधर पे मेरे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे एंड उनमें भी जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए मैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है इधर पे ज़ीरो कर दूंगा, मतलब जिन कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी इधर पे ज़ीरो रहती है उनको रैंक करने में ईजी रहता है, ठीक है। तो मैं इधर पे जस्ट सर्च कर देता हूँ कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़ीरो एंड इधर पे जैसे मैंने अप्लाई किया इसको आपके सामने थोड़ा सा लोड हुआ एंड ये कीवर्ड्स इधर पे आपके फ्रंट पे आ जाएंगे और इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना बहुत ही प्रॉफिटेबल रहता है एंड वो चीज़ भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्यों रहता है, ठीक है। तो एक जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड ऐसा कीवर्ड होता है जिसके ऊपर सिर्फ कुछ वेबसाइट्स काम करती है, ऐसा नहीं कि इसमें लाखों वेबसाइट्स होती है, इनमें सिर्फ थाउजेंड्स में कुछ वेबसाइट्स होती है, इसलिए यहाँ पर रैंक करना बहुत ईजी रहता है और यहाँ पर बहुत कम वेबसाइट्स टाइटल में इन सब कीवर्ड्स को कवर करती है, जिसके वजह से हम उनको ईजिली बीट कर पाते कुछ बैकलिंक्स के दम पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर पे जैसे कि इस वाले को खोल लेता हूँ आपके साइड में, ठीक है। तो मैं इधर पे देखता हूँ कि इस कीवर्ड में मेरे को बैकलिंक्स कितने चाहिए क्योंकि इसमें जीरो कंपटीशन बोल रहा है और ट्रैफिक भी बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है, इसमें क्लिक्स भी ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं जस्ट इसका चेक कर लेता हूँ कि मेरे को कितने बैकलिंक्स रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स को खोलता हूँ ऊबर सजेस्ट में या फिर HRF टूल में, तो मेरे को बहुत सारे बैकलिंक्स इधर पर डालने को बोलता है, लेकिन जब मैं जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड को इधर पे डालता हूँ तो ये कहते हैं कि भाई एकदम ईजी है और ज़ीरो कंपटीशन है और इधर पे मेरे को ज़ीरो वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए टॉप 10 में आने के लिए, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल नीच जो है होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एक प्रॉफिटेबल कीवर्ड फाइंड करना है अगर आप किसी भी नीच पे काम कर रहे हो। और इधर पे आप देख सकते हो इतने ज़्यादा क्लिक्स मिल जाते हैं और अगर मैं जस्ट नीचे कर दूँ तो इधर पे आपको क्वेश्चंस वाले सेक्शन में कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन आपको बाकी सब कीवर्ड्स में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें थोड़ा सर्च वॉल्यूम कम है इसलिए क्वेश्चंस हमें इधर पे रिकमेंड कर नहीं रहा, वरना आप इधर पे भी हैविंग सेम सर्च टर्म्स में भी जा सकते हो। फिर इधर पे आप साइड में जाओगे तो आपको और कंपटीटर वेबसाइट्स भी देखने को मिल जाएगी जो इन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं और उन सब के डोमेन रेटिंग आप देख सकते हो इधर पे 1 है, मतलब हम भी यहाँ पे रैंक कर सकते हैं क्योंकि 1 डोमेन रेटिंग वाला वेबसाइट भी इधर पे रैंक कर रहा है, तो हमारे लिए एकदम सिंपल सा रहने वाला है, हम इजीली यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको स्टैट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा रहता है, सर्च वॉल्यूम देखो, क्लिक्स देखो और आप ग्लोबल सर्चेस को भी देख लो कि ग्लोबली कितना आ रहा है, लेकिन क्योंकि इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है तो इसका ग्लोबल नहीं है, सिर्फ इंडियन सर्च ट्रैफिक है एंड इसके जीरो वेबसाइट्स हमें बैकलिंक्स चाहिए, ये सब हमें मालूम चल गया। इसका पैरेंट टॉपिक भी इंकपोंग कूपन है, ठीक है। तो
तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देख ली एंड अब मैं इस कीवर्ड को लेकर के काम कर सकता हूँ एंड आराम से ये कुछ 3 से 4 महीने के अंदर रैंक करने लगे। ठीक है, आपकी वेबसाइट 3 से 4 महीने के अंदर रैंक करने लगी अगर आप जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड को हिट करते हो, क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन बहुत कम रहता है और बहुत कम आर्टिकल्स लिखे जाते हैं मंथली ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है। यहाँ पे जिसने भी मेरे को कमेंट करके पूछा था तो भाई इधर पर मैंने आपका आंसर कर दिया। ऐसे करके आपको कीवर्ड सर्च करना है अपने कूपन वेबसाइट के लिए। ठीक है, मैं इधर पे सिर्फ इसी बंदे की बात नहीं कर रहा, बहुत लोगों को और भी कीवर्ड के बारे में डाउट होगा तो मैं इधर पे जस्ट एक और कीवर्ड डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने बर्ड डाल दिया। क्योंकि इधर पे देखो आप लोग इधर पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हो जिन पे कंपटीशन हाई रहता है, जैसे स्मार्टफोन रिव्यू, टेक रिव्यू, तो उनकी कॉम्पिटिशन हाई रहता है। ठीक है, एक बार सोचो उनके कॉम्पिटिशन हाई रहते हैं, उन पर आप कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे। लेकिन या फिर नॉर्मल इधर पे नेचर से रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर आपको जीरो कॉम्पिटिशन के बहुत सारे कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने बर्ड सर्च किया एंड जब भी आपने इधर पर अपना ब्लॉग स्टार्ट किया होगा आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप पक्षियों के ऊपर भी एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। मैं पक्का लिख के दे सकता हूँ एंड फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ऑल कीवर्ड आइडियाज़ में मेरे को कितने जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड मिलने वाले हैं। आप लोगों ने कभी भी सोचा नहीं होगा। ठीक है, मैं ये पूरा लिख के दे सकता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली ब्लॉगिंग या फिर टेक या फिर शायरी या लिरिक्स इनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। आप लोग खुद से कभी भी कीवर्ड्स को फाइंड नहीं करते, आप यूट्यूबर्स के पास देख लेते हो कीवर्ड्स और उनके ऊपर ही काम शुरू कर देते हो। लेकिन आपको ऐसे करके काम करना है, ठीक है, आपको खुद से फाइंड करना है। अभी मैं इधर पे जस्ट इंक्लूड कर देता हूँ बर्ड, ताकि मेरे को बर्ड वाली कीवर्ड्स इधर पे आए, मेरे को कुछ भी रिलेटेड कीवर्ड्स ना आए, सिर्फ बर्ड से रिलेटेड आए। तो मैंने इंक्लूड में बर्ड डाल दिया। आपको भी सेम अपने इधर पे फिल्टर्स में इनको डालना है एंड फिर उसके बाद आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी को फिर से 0-0 डाल देना दोनों साइड पे एंड अप्लाई पे दबा देना है। ठीक है, तो एकदम ऐसा सिंपल सा रहने वाला है। ऐसा करने के बाद ये फिर से रीलोड होगा एंड अब इधर पे आपके सामने जो है कीवर्ड्स आ जाएंगे। आप देख सकते हो बर्ड स्कल जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड और इसका सर्च वॉल्यूम 9,000 से ज़्यादा है और इसके क्लिक्स भी ठीक है। एंड अभी मैं देख लेता हूँ कि इसमें मेरे को क्या कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके देखो मैंने आपके सामने सामने इधर पे कीवर्ड रिसर्च करके दिखाया और जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड को फाइंड करके दिखाया। तो ऐसे करके आप अच्छे खासे जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हो और उनके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना कि भाई किसी यूट्यूबर ने दिखा दिया तो मैं भी काम कर लूँगा। तो इधर पे आप देख सकते हो ये वाला कीवर्ड भी आ चुका है, इसका जीरो एंड इजी बोल रहा है, जीरो वेबसाइट्स मेरे को बैकलिंक चाहिए। तो ये वाला मेरे लिए बहुत ही अच्छा कीवर्ड होने वाला है। आप देख सकते हो इसका जो ग्लोबल ट्रैफिक है, ठीक है, इधर पर अगर मैं सर्च वॉल्यूम की बात करूँ तो सिर्फ 9,000 है, बट अगर मैं ग्लोबल जाऊँ मतलब पूरे वर्ल्ड का अगर सर्च वॉल्यूम मिलाऊँ तो मेरे को 18,000 का ट्रैफिक आराम से आ जाएगा अगर मैं इन सारी कंट्रीज़ को देखूँ। ठीक है, मतलब मेरे को 18,000 का ट्रैफिक आने वाला है सारी फॉरेन कंट्रीज से। एंड फिर जस्ट मैं नीचे कर देता हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स को भी देख लेता हूँ। तो ये सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप देख सकते हो, एंड इन सब के डोमेन रेटिंग कम भी है। देखो इधर पे एक ही कम डोमेन रेटिंग भी आ रही है, तो आप इजीली यहाँ पे रैंक कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जैसे कि मैंने कहा था। तो जस्ट मैं क्वेश्चन के ऊपर इधर पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि हाउ टू क्लीन ए बर्ड स्कल। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो इसमें मेरे को 4 कॉम्पिटिशन बोल रहा है। ये भी थोड़ा ईजी है, लेकिन इन क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, और जीरो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स के ऊपर ही काम करो क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए रहते हैं। और सिर्फ मैं एक ही कीवर्ड को फाइंड नहीं करूँगा या फिर दो ही कीवर्ड को फाइंड नहीं करूँगा, आपके सामने आज मैं 3-4 बार इधर पे जो है कीवर्ड रिसर्च करूँगा एंड आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, तो वही मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, तो इधर पर आपको वॉल्यूम का भी ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब कितना सर्च वॉल्यूम हो रहा है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पर सिर्फ 1,000 से ज़्यादा सर्चेज मेरे को चाहिए एंड मैक्सिमम मैं नहीं रखूँगा ताकि मेरे को इधर पे ज़्यादा कीवर्ड्स मिल पाए। तो अभी मैं जस्ट ऐसे करके सर्च करता हूँ एंड मेरे को और भी अच्छे से इधर पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो आप ऐसे करके ज़्यादा अच्छा सर्च कर सकते हो एंड आप इन सारे कीवर्ड्स को भी देख सकते हो, फिर इनमें जो ज़्यादा लॉन्ग टेल आपको लगे उनके ऊपर आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो इधर पर हमने कीवर्ड रिसर्च की जो बात होती है वो कर ली। ठीक है, अब आपको कीवर्ड रिसर्च के बाद क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड डॉग बिस्किट, ठीक है, इस पर जाना है। फिर आपको कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को देखना है कि आखिर वो कैसे हिट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट इसको ऐसे करके साइड में ओपन कर लेता हूँ एंड इसको ऐसे करके जो है कीवर्ड रिसर्च में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इसको कीवर्ड रिसर्च में डाल सकता हूँ। अगर मेरे टिप्स वाले कॉम्पिटिशन में कोई आ रहा है तो मैं ऐसे करके कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, जस्ट ना इधर पर एक कीवर्ड को फाइंड करूँगा आपके सामने, मैं इसको कट कर देता हूँ, आपके सामने एक प्रॉपर सा कीवर्ड फाइंड करूँगा एंड कॉम्पिटिटर को सर्च करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा कीवर्ड रिसर्च करूँगा एंड उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने एक साइट को खोल के दिखाया, वैसे ही मैं और भी साइट्स को खोल के दिखाऊंगा और मैं उनको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल अभी मैं जाता हूँ MP3, ठीक है, वेट, MP3। तो मैंने MP3 करके कीवर्ड को सर्च किया, एंड MP3 करके कीवर्ड को सर्च करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऑल कीवर्ड आइडियाज़ में जाऊँगा। एंड आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा जब सर्च ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इंक्लूड करके जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इधर पे जाना है, एंड इधर इंक्लूड जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें जा कर के आपको लिखना है हाउ टू, जिससे कि आपको क्वेश्चन कीवर्ड मिल जाए, यानी रेस्पॉन्स कीवर्ड। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई रेस्पॉन्स कीवर्ड कैसे फाइंड करें, तो उसका तरीका ये है, आपको इंक्लूड में लिखना है हाउ टू, ठीक है। हाउ टू लिखने के बाद कीवर्ड डिफिकल्टी को वापस से इधर पे ज़ीरो कर दो दोनों साइड पे, और दोनों साइड पे ज़ीरो करती आपको अप्लाई कर देना है, एंड आपको ऐसे करके कीवर्ड मिलने वाले। देखो अभी आप पूछोगे भाई कीवर्ड रिसर्च को इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आपने ऐसा कीवर्ड फाइंड कर लिया जिसमें कोई सर्च ही नहीं है, आप आर्टिकल लिखे जा रहे हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है, जबकि उसको सर्च ही नहीं करता कोई बंदा। आपने इतनी मेहनत से एक दो दिन लगा के एक आर्टिकल लिखा, उस पर कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि उस पर सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। अगर किसी पे सर्च वॉल्यूम है उस पर काम करूँ तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा ना। और देखो इस पर सर्च वॉल्यूम भी है, कॉम्पिटिशन भी कम है, मतलब मैं रैंक कर सकता हूँ, मेरे को ट्रैफिक भी आ जाएगा, तो ये इतना प्रॉफिटेबल रहता है, ठीक है। इसलिए कीवर्ड रिसर्च को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च ही आपके वेबसाइट का फ्यूचर इधर पे जो है डिसाइड करता है, ठीक है। तो मैंने इधर पे जस्ट सर्च कर दिया हाउ टू सेव गार्बेज बैंड एज MP3, तो इधर पे ज़ीरो कॉम्पिटिशन, ठीक है, ज़ीरो कॉम्पिटिशन के बाद ज़ीरो वेबसाइट्स टू रैंक, ठीक है, बैकलिंक्स पर कोई इतने कम चाहिए, फिर ग्लोबल ट्रैफिक भी मेरे को मिल रहा है। एंड अगर मैं इधर पे जस्ट अपने कॉम्पिटिटर्स को देखूँ तो मेरे कॉम्पिटिटर्स है थोड़े कॉम्पिटेटिव, लेकिन ये ज़ीरो कॉम्पिटिशन बोल रहा है, मतलब मैं भी इधर पर रैंक कर सकता हूँ, एंड मैं क्वेश्चंस वाले इन पार्ट को भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हो, तो मेरे को एक अच्छा खासा कीवर्ड मिल गया। तो मैं जस्ट अभी क्या करता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर को इधर पे एनालाइज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट इधर से, हाँ, इसको मैं इधर से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी जो लिंक है इसको लेता हूँ, एंड इसका एक सिंगल URL सर्च जो होता है वो करूँगा, एंड आपको दिखाऊँ कि आपको एग्जैक्ट URL को कैसे सर्च करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हमारा तो सिर्फ डोमेन ही इधर पे जो है रिसर्च होता है, लेकिन आपको इधर पे एग्जैक्ट URL को भी रिसर्च करना है, ताकि आपको सिर्फ एक URL का मालूम चले कि कितनी रैंकिंग है, कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है, और आप कितना इससे प्रॉफिट ले सकते हो, कितने बैकलिंक्स है इसके, कितने डू फॉलो बैकलिंक्स के ऊपर आप भी काम कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको ऐसे करके फाइंड करना है, ठीक है। और इसी से आप $100, $200, $1000 अर्न कर सकते हो। मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ, फर्स्ट मेरा रिसर्च आता है, उसके बाद ही मैं एक नई वेबसाइट को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसे करके सबसे पहले कीवर्ड को जो है डाल देना है, कीवर्ड को डालने के बाद आपको अपने कॉम्पिटिटर को ढूंढना है, ताकि आप कॉम्पिटिटर के आर्टिकल्स निकाल सको, उसके कीवर्ड्स निकाल सको, और अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाओ, ठीक है। तो कीवर्ड का पार्ट हमने कर लिया, अभी हम कॉम्पिटिटर बीट करने का भी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को डालना है और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वाले इस सेक्शन पर चले जाना है, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाना है इधर पे URL को डाल के, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके सारे कीवर्ड्स जो है मिलने वाले हैं, एंड अभी आप देख सकते हो तो इधर पे फुल डोमेन पे, तो आपको एग्जैक्ट URL करना है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट URL जो है उस पर आपको क्लिक करना है, ताकि आपको सिर्फ इसके एग्जैक्ट URL का जो भी होता है इधर पे कीवर्ड्स वही देखने को मिले, ठीक है। तो इधर पे मैंने एग्जैक्ट कर दिया, एंड एग्जैक्ट पे आपको इतने सारे इधर पे मिल जाएंगे कीवर्ड्स, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ सिर्फ इस एग्जैक्ट URL का, मतलब सिर्फ इसके एक इस पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो इसके सिर्फ एक इस पेज पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है 890 का, मतलब 800 के ऊपर लोग सिर्फ इसके एक इस आर्टिकल के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरे को मालूम चल गई, मैं वापस इसको बैक कर देता हूँ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में, एंड देखता हूँ कि इसके कितने सारे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, और उन पर ज़ीरो कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आपको सेम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। तो मैं जस्ट इसके एक बार ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को देख लेता हूँ, आपको ऐसे करके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, और आपको इन्हीं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। अपने कॉम्पिटिटर के जिसमें भी ज़ीरो कॉम्पिटिशन लिखा हो उन कीवर्ड्स को ले लो, क्योंकि उसमें आप भी रैंक कर पाओगे आराम से, और बस आपको ऐसे करके काम करना है। देखो इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे रेस्पॉन्स कीवर्ड मेरे को दिख रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट गार्बेज बैंड टू MP3, हाउ टू एक्सपोर्ट, ठीक है। ये सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, एंड इधर पे आपको ऐसे करके सारे कीवर्ड्स मिलने वाले, ठीक है। देख सकते हो ऐसे करके आपको सारे बैकलिंक्स मिल जाएंगे, और इधर पे आपको लिंक टाइप दिख रहा होगा, इसमें आप डू फॉलो कर दो, जिससे कि आपको सारे डू फॉलो बैकलिंक्स का मालूम चल जाए, क्योंकि डू फॉलो बैकलिंक्स आपको SEO में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके सारे डू फॉलो बैकलिंक्स को ऐसे करके आप देख सकते हो, और अभी इन सारे डू फॉलो बैकलिंक्स को आप एक बार चेक कर लो, ठीक है।
आपको चेक ये करना है कि इन डू फॉलो बैकलिंक्स को किन वेबसाइट में बनाया गया है, क्या वहाँ पे गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। और गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन है तो आप भी जाकर के गेस्ट पोस्ट डाल के अपने लिए बैकलिंक्स ला सकते हो और आप भी आराम से रैंक करने लग जाओगे। तो बस मुझे इतना ही आपको बोलना था, ये पूरा एकदम डिटेल्ड में था कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स कैसे फाइंड करना है, उसके बैकलिंक्स को कैसे फाइंड करना है, उसके डू फॉलो बैकलिंक्स को कैसे फाइंड करना है। अब अगर आपको सीखना है कि भाई SEO कैसे करें, SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे लिखें, SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखने के लिए क्या कोई टूल है कि नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, मैंने उस वीडियो को कल अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उस वीडियो में मैंने आपको परफेक्टली सिखाया कि आपको कैसे करना है, कुछ करना है और इधर पे कैसे एक अच्छा सा आर्टिकल आप लिख सकते हो, एक फ्री टूल को यूज़ करके सेमरश का टूल आप फ्री में कैसे यूज़ कर सकते हो, उस वीडियो में मैंने पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को ज़रूर चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हो एक और वीडियो के साथ, तब तक क्लिक छोड़ा सा ब्रेक।